बांट माँ विभाग के द्वारा की गई दुकानों के तराजू व बांटों की जांच। गोवर्धन कस्बे में त्योहार को लेकर सभी विभाग सक्रिय नजर आ रही है। कहीं पर फ्रूट इंस्पेक्टर सैंपल चेक करते हुए तो कहीं पर प्रशासन द्वारा पॉलीथीन को बंद कराया जा रहा है। इसी के चलते आज गोवर्धन में बांट माप टीम द्वारा तराजुओं, बांट एवं मिठाई के खाली डिब्बों का तोल की जांच की गई, जिसमें कई पर दुकानों से डिब्बों का वजन अधिक अनुमान से अधिक पाया गया। उन दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई। वहीं दूसरी ओर दानघाटी मंदिर के पास आसपास के दुकानदारों द्वारा टीम के अधिकारियों पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ये टीम वाले बड़े दुकानदारों के पास नहीं जाते, ये हमेशा गरीब दुकानदारों को ही सताने के लिए आ जाते हैं। अब देखना यह है, क्या दुकानदार सही कह रहे थे या फिर अधिकारी, ये तो एक जांच का विषय है। सर, आपका नाम? यस, कुशवाहा। किस बात को लेके आज आपने यहाँ पर सर्वे किया है गोवर्धन? सर्वे किया, त्योहारों के समय भारी वजन का डिब्बा बनवा के डिब्बा मिठाई के साथ पहुँचते हैं, इस संबंध में हलवाइयों की और ज्वेलर्स के यहाँ जाँच की गई। तो जांच सर कहाँ कहाँ पे की गई गोवर्धन क्षेत्र में? गोवर्धन मथुरा से लेके गोवर्धन तक और गोवर्धन में कई जगहों पर जांच की गई और लगभग 15 लोगों के यहाँ कार्रवाई की गई। दुकानदारों के खाली डिब्बे तुलवाए आपने? दुकानदारों के खाली क्या, दुकानदारों से जो मिठाई खरीदी गई थी उस मिठाई के साथ में फिर खाली डिब्बे तुलवा के उन्हें चेक किया, क्रॉस चेक किया। क्रॉस चेक करने के बाद जहाँ वजन कम मिला है वहाँ कार्रवाई की। एलिगेशन दुकानदारों ने आपके ऊपर लगाया गया है कि 100-150 ग्राम एक्स्ट्रा।